हेलो फ्रेंड, फ्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम जीके का एक बहुत इजी ट्रिक लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए, किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं? पुराण, जिससे राजाओं की वंशावली मिलती है। जो पुराण होते हैं उसमें किस किस वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है उसके बारे में देखेंगे, आसान ट्रिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा आता है विष्णु। विष्णु पुराण, इसको देखिए। जैसे यह विष्णु पुराण होगा तो विष्णु जो भगवान है तो उसके सिर में मौर्य होते हैं, ठीक है। मौर्य यहाँ पे लगा रहता है। मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से भगवान का होता है, लेकिन हम जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मौर्य विष्णु भगवान के सर में होता है। तो इस तरह से विष्णु पुराण किसमें? मौर्य वंश में संबंधित है। मौर्य वंश, इसे याद रखिएगा। भगवान विष्णु के सर पे मौर्य होता है, इसलिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। इस तरह से देखेंगे वायु पुराण। अब जैसे जो वायु होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो वायु को हम लोग देख नहीं पाते, दिखाई नहीं देता हवा, तो वायु जो है उसको ये गुप्त रहता, दिखाई नहीं देता तो गुप्त रहता है, जिसे हम गुप्त बोलते हैं। तो वायु पुराण किससे वंश से संबंधित? गुप्त वंश। वायु पुराण किससे? गुप्त। वायु गुप्त रहता है, दिखाई तो नहीं देता, इसीलिए वायु पुराण गुप्त वंश से। अब लास्ट देखते हैं हम लोग, ये हो गया मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में देखिए, मत्स्य में सा लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम याद कर सकते हैं सातवाहन वंश। मत्स्य सा लगा हुआ है ना, इसे हम याद रख सकते हैं सातवाहन वंश। तो इस तरह से पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।